गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आपका 6th क्लास का चैप्टर नंबर 4 मैप्स। ठीक है, इसकी हिंदी मीडियम की वीडियो भी मैंने अपलोड कर दी है, अगर आप लोग चाहें तो देख सकते हैं। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। तो आपने मैप वर्ड पहले सुना है या नहीं? हाँ सुना है ना। अक्सर ऐसा होता है जब आप लोग 5th क्लास में थे तब आपके टीचर्स आपसे कहते होंगे कि बेटा एक काम करिएगा, मैप में आप लोग कितने महाद्वीप हैं लिख के लाइएगा, है ना, या कितने समंदर हैं लिख के लाइएगा, है ना, या हमारे भारत में कितने राज्य हैं लिख के लाइएगा। किया है आप लोग ने ये काम? हाँ किया है ना। चलिए अब हम बताते हैं आपको मैप क्या है। जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा कि पृथ्वी का हूबहू एक कॉपी जो बनाया, उसका डुप्लीकेट जो भाई बनाया, बस साइज़ में थोड़ा छोटा बनाया, उसको हमने क्या कहा? ग्लोब कहा, है ना। लेकिन ग्लोब का क्या था बेटा कि ग्लोब से हम बड़ी बड़ी चीज़ें देख पाते थे, जैसे कौन सा महाद्वीप कहाँ है ना, कौन सा महासागर यानी ओशन कहाँ है, ये तो हम देख लेते थे। लेकिन अगर हमसे कहा जाए कि इस महाद्वीप में ये वाला मुल्क कहाँ है बताइए, ये वाली कंट्री कहाँ है, तब हम नहीं देख पाते थे, है ना। कोई अगर पर्टिकुलर टाउन दे दिया जाए, कोई पर्टिकुलर विलेज दे दिया जाए, कोई स्टेट, कोई कंट्री दे दी जाए कि अब आप इसका पता लगाइए, तो वो हम लोग उसमें नहीं देख पाते थे ग्लोब में, है ना। तो इसके लिए हमने क्या काम करा, एक चपटा यानी पेपर जैसा एक पेपर पे एक मैप बनाया, ग्लोब को चपटा कर दिया। ठीक है, तो उसको ही हमने क्या कहा? मैप का, जिसमें हम आसानी से हर चीज़ देख पाते हैं। ठीक है, उसमें हम क्या काम करते हैं कि एक एवरेज बना लेते हैं और उस एवरेज के अकॉर्डिंग वहाँ पे सारा मेजरमेंट कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद बोलते हैं कि मैप जो है वो बहुत ज़्यादा आसान होता है, फ्लैट सरफेस पे होता है। ठीक है, एक स्केल के अकॉर्डिंग हम उसे बना देते हैं। उसके बाद यहाँ बताते हैं कि जब ऐसे ही बहुत सारे मैप एक साथ इकट्ठा होते हैं, व्हेन मैनी मैप्स आर पुट टुगेदर वी गेट एन एटलस, फिर हमें एक एटलस मिल जाता है। ठीक है, एटलसेस जो होते हैं वो अलग अलग साइज़ के होते हैं, अलग अलग मैनेजमेंट के होते हैं, मेजरमेंट के होते हैं। उसका रीज़न ये है कि आपको हर चीज़ एक जगह नहीं मिलेगी ना। अब अगर आपसे कहा जाए कि आपको मान लीजिए इंडिया का मैप देखना है, तो आप इंडिया का देखेंगे, अमेरिका का तो नहीं देखेंगे ना, तो सारे मैप्स अलग अलग होते हैं। ठीक है, अच्छा अब यहाँ तक आपको क्लियर हुआ मैप क्या है, कैसे बनता है? कोई टेंशन नहीं है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम आगे पढ़ देखें। यहाँ लिखा भी है, अ मैप इज़ रिप्रेजेंटेशन और अ ड्राइंग ऑफ अर्थ सरफेस और अ पार्ट ऑफ ए ड्रॉ ऑन अ फ्लैट सरफेस अकॉर्डिंग टू अ स्केल, एक स्केल के अकॉर्डिंग। ठीक है, एक चपटे स्थान पर हम अपनी ही जो अर्थ है उसकी ड्राइंग बना लेते हैं, उसको ही हम मैप कहते हैं। अच्छा, यहाँ जो ये स्केल की बात आई बेटा, उसका मतलब ये है कि देखिए, अब जैसे यहाँ ये आपका घर है और ये आपका स्कूल है। ठीक, तो अब यहाँ से 1 किलोमीटर का डिफरेंस है, ठीक, रियल में। लेकिन जब हम इसे मैप पे बनाएंगे ना, तो हम 1 किलोमीटर का नहीं बनाएंगे, 1 किलोमीटर को हम 1 सेंटीमीटर मान लेंगे। आ रही समझ में? अगर हम 1 किलोमीटर सोचेंगे कि हम एज इट इज़ 1 किलोमीटर मैप पे बनाएं, तो सोचिए कितना लंबा मैप हो जाएगा, फिर वो मैप क्या रहेगा, वो तो और ऑफिशियल रास्ता हो जाएगा बिल्कुल, है ना। तो हम क्या करते हैं, एक एवरेज बना लेते हैं और उस एवरेज के स्केल के अकॉर्डिंगली हम उसे नापते हैं। ठीक है, यानी अब मैंने यहाँ पे 1 किलोमीटर को अगर 1 सेंटीमीटर माना है, तो अब मैं पूरा मैप बनाऊंगी, तो हम जहाँ पे भी 1 किलोमीटर होगा उसको 1 सेंटीमीटर, 2 किलोमीटर 2 सेंटीमीटर, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग रखूँगी। ये नहीं कि यहाँ 1 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर माना, यहाँ 1 किलोमीटर को 2 सेंटीमीटर मान लिया, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, एक हम पैमाना बनाते हैं और उसी के अकॉर्डिंग करते हैं। तो अब देखिए, यहाँ आपको बताते हैं कि मैप जो है वो अलग अलग उनके अलग अलग टाइप्स है, जिसमें आपको 3 टाइप्स यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। पहला फिज़िकल मैप, तो फिज़िकल मैप जो है वो क्या है, मैप शो नेचुरल फीचर ऑफ द अर्थ सच एज द माउंटेन प्लेट्यूज प्लेन रिवर्स ओशन एक्सेट्रा आर कॉल्ड फिज़िकल और रिलीफ मैप। ठीक है, यानी वो मैप जिसमें हम कुदरती चीज़ें जैसे कहाँ पे नदी है, कहाँ पे नाला है, कहाँ पे प्लेन एरिया है, कहाँ पे पठार हैं, कहाँ पे पहाड़ हैं, कहाँ समंदर हैं, जिस मैप में हमें इन सब चीज़ों के बारे में पता चलता है, वो आपका फिज़िकल मैप कहलाता है। ठीक है, उसके बाद आपकी अगली बारी आती है पॉलिटिकल मैप की। तो पॉलिटिकल मैप जो होता है, मैप शो सिटिंग towns and village and different countries and state of the world with their boundaries are called political map।
यानी कि पॉलिटिकल मैप हम उसे कहते हैं जिसमें किसी शहर के किसी भी चीज़ को सिटीज़, गांव, जो आपके टाउन्स होते हैं है ना, यानी कि जो आपके कस्बे होते हैं, विलेज यानी गांव होते हैं, या डिफरेंट कंट्रीज़, बड़ी बड़ी जो आपके राष्ट्र हैं है ना, अलग अलग स्टेट जो आपके राज्य हैं, ठीक, इनको जो दर्शाते हैं, उनकी बाउंड्रीज़ को यानी उनकी जो रेखाएँ हैं, सीमा रेखाएँ हैं, उनको दर्शाते हैं, ये आपके पॉलिटिकल मैप कहलाते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आपका थेमेटिक मैप। तो आपका थेमेटिक मैप जो है वो क्या लिखा है, सब मैप फोकस ऑन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन सच एज रोड मैप, रेनफॉल मैप, मैप शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट, इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा आर नोन एज द थेमेटिक मैप। अब क्या बोलते हैं कि थेमेटिक मैप क्या होता है, वो वाला मैप जिसमें किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को लिया जाए और उसको ही पेश किया जाए। जैसे कि अब हम कहें जंगल, तो अब हम इस मैप में पूरे हिंदुस्तान के जंगल को शो करेंगे कि कौन सी जगह पे कितने जंगल हैं, ठीक। या रेनफॉल, तो अब हम पूरे मैप में ये शो करेंगे कि हिंदुस्तान के किस राज्य में कितनी बारिश होती है, ठीक है। या मान लीजिए आपका आ गया फॉरेस्ट, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इस मैप में ये शो करेंगे कि हिंदुस्तान के या हमारे भारत के किस राज्य में कितने जंगल हैं, ठीक है। या इंडस्ट्रीज़, तो कौन से एरिया में कौन सी इंडस्ट्रीज़ है, किस टाइप की इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा मिलती हैं, ठीक। अब यहाँ तक क्लियर हो गया। तो अब आपने पहले जाना मैप क्या है, फिर आपने उसके टाइप्स को पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं अब हम पढ़ते हैं कंपोनेंट्स ऑफ मैप, ठीक है। मैप के कंपोनेंट्स क्या है, यानी कि जब हम कोई काम करने बैठते हैं तो हमें उसकी कुछ चीज़ों की नॉलेज होना ज़रूरी है ना। जैसे अब मैं आपकी वीडियो बना रही हूँ तो मुझे मालूम है कि वीडियोस कैसे बनानी है, किस तरह से आपको समझाना है, किस तरह से पॉइंट टू पॉइंट हमें आपको हर बात एक्सप्लेन करनी है, फिर किस तरह से इसे वीडियो को एडिट करके इसे अपलोड करना है आपके लिए, है ना, किस तरह से इसका टाइटल लिखना है कि आप लोग आसानी से इसे सर्च कर पाएँ, किस तरह से इसे प्लेलिस्ट में ऐड ऑन करना है ताकि जब आप देखें तो आपको ईजीली मिल जाए। तो क्या है, हमने कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो जानी, इसे हम कंपोनेंट्स कहते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से जब हम मैप को देखते हैं, जब हम मैप के बारे में पढ़ना चाहते हैं या किसी को बताना चाहते हैं तो कुछ चीज़ें हमें क्लियर होना चाहिए, जैसे कि डिस्टेंस, कि मैप में डिस्टेंस का क्या काम है, या डिस्टेंस क्या होता है, या डायरेक्शन, मैप में डायरेक्शन क्या है, या फिर आपके सिंबल्स, तो सिंबल्स क्या है, किसे कहा जाता है, मैप के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। तो चलिए एक एक करके इनको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आता है आपका डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे आपको वही बात बताएंगे जो अभी मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताई कि मैप एक्चुअली में बिल्कुल एज इट इज़ आपके जो आपकी अर्थ है उसका ही कॉपी है ना। लेकिन क्या जो दूरी आपकी असलियत में मैप में है, क्या वही दूरी पृथ्वी पर भी है? नहीं, हम क्या करते हैं, एक पैमाना नाप लेते हैं, ठीक है, एक स्केल बना लेते हैं, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, स्केल इज़ अ रेशियो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड इज द डिस्टेंस शो ऑन द मैप। यानी कि एक स्केल हम मान लेते हैं जिसका अर्थ ये है कि जो असलियत में डिस्टेंस है एक जगह से दूसरी जगह की, जो ओरिजिनली डिस्टेंस है, उसको हम मैप पे कैसे शो करेंगे, तो हम उसका रेशो निकाल के उसको मैप पे शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताया गया है कि जैसे कि आपके घर से आपके स्कूल के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है, ठीक है, तो हम क्या 10 किलोमीटर शो कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, उस 10 किलोमीटर की जो दूरी है उसको हम 2 सेंटीमीटर मान लेंगे मैप में, ठीक है। लेकिन अब याद रखिएगा कि जब हमने किलोमीटर को उसमें माना है तो फिर हमें वही हर बार मानना पड़ेगा, ठीक है, हम इसे बार बार चेंज नहीं कर सकते, ख़ासतौर से एक मैप में तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। हाँ ठीक है, अगर हम दूसरा मैप बनाने जा रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंगली दूरी ले लेंगे, लेकिन जो भी ये चल रहा है इसमें बार बार चेंजेस नहीं करेंगे, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब उसके बाद यहाँ आपको बताते हैं कि आपके दो तरह के, आपकी जो डिस्टेंस है वो दो तरह पे नापी जाती है, एक स्मॉल स्केल मैप होते हैं, एक लार्ज स्केल मैप होते हैं, ठीक है। स्मॉल स्केल मैप कौन से होते हैं, कि जब एरिया बड़ा होता है, जैसे आपको कंटिनेंट्स या फिर कंट्रीज़ के बारे में शो करना है पेपर पर, तो वो एरिया जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है ना, तो उसके लिए हम स्मॉल स्केल यूज़ करते हैं। क्यों, उसके लिए हम क्या करते हैं कि अब जैसे 500 किलोमीटर ना, 500 किलोमीटर उसको हम सिर्फ और सिर्फ 5 सेंटीमीटर में दर्शाएंगे। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो कागज़ है, वो जो मैप है, वो उसका एरिया कम है, जबकि हमें शो जो करना है वो बहुत बड़े एरिया को करना है, तो इसलिए हम इसमें क्या करते हैं, स्मॉल स्केल यूज़ करते हैं।
सिमिलरली सेम वैसे ही जो आपका एरिया छोटा हो, जैसे मान लीजिए कोई गांव, कोई शहर या आपका छोटा एरिया हो गया, तो इसके लिए हमारे पास अच्छी खासी जगह होती है। तो उस वक्त हम क्या काम करते हैं, उस वक्त हम अपने मैप में हर चीज़ को खोल के बिल्कुल डिटेल में लिखते हैं। यानी 5 सेंटीमीटर हम सिर्फ और सिर्फ 500 मीटर के लिए यूज़ करते हैं। अब सोचिए मीटर और किलोमीटर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, है ना। तो इस तरह से इन दोनों में ये डिफरेंस होता है। चलिए तो मैप में अब आपको पता चल गया कि डिस्टेंस की क्या वैल्यू है। अब हम बात करते हैं डायरेक्शन की। तो देखिए जब तक कि हमें डायरेक्शन क्लियर नहीं होगा तब तक कि हम कोई भी एरिया को आसानी से फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, है ना। हमेशा याद रखिए मैप जब भी बनाया जाता है तो उसका ऊपर के एरिया पे इस तरह से एक एरो बनी होती है और वहाँ पे नॉर्थ लिखा होता है। उसका रीज़न ये होता है कि हमेशा आपका जो ऊपर का एरिया है वो नॉर्थ है, उसके नीचे आपका साउथ होता है, इस साइड आपका ईस्ट और इस साइड आपका वेस्ट, ठीक है। ये आपके मेन 4 डायरेक्शंस होते हैं। इसके अलावा आपके 4 सब डायरेक्शंस भी होते हैं। जैसे अब आपका ये हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, ये हो जाएगा आपका नॉर्थ वेस्ट, ये हो जाएगा आपका साउथ ईस्ट और ये हो जाएगा आपका साउथ वेस्ट, ठीक है। तो ये 4 आपके सब डायरेक्शंस कहलाते हैं। अगर आपको डायरेक्शंस की नॉलेज नहीं होगी तब आप नहीं कर पाएंगे। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये सिंपल्स आपको एक समझाने के लिए दिया गया है। जैसे विकास हाउस, शीला हाउस, करीम हाउस, ये 3 बच्चे इनका घर है। तो आप देख पा रहे होंगे कि इनके घर से जो कम्युनिटी सेंटर है वो इनके उत्तर में यानी नॉर्थ में है, जबकि जो यहाँ पे शॉप है वो इन सबके घर के किधर है, आपके वेस्ट में है, ठीक है। अगर आप देखें तो इनके घर के सबके ऑस्ट्रिच जो है, यानी कि आपका जो गार्डन है जहाँ पे इसको हम लोग बोलते हैं ना, जो अरे हिंदी में क्या बोलते हैं उसको दिमाग में नहीं आ रहा, जहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे लगाए जाते हैं और वहाँ से बेचे जाते हैं, ठीक है। अभी याद आएगा तो मैं आपको बताऊँगी, दिमाग से निकल रहा है वर्ड, ठीक है। उसके बाद आप देख पा रहे हैं कि ये जो एरिया है, ये जो प्लेग्राउंड वाला एरिया है, ये इनका नॉर्थ और ईस्ट के बीच में यानी नॉर्थ ईस्ट वाली जगह पे है, यस, है ना। तो इस तरह से अब आप देख पा रहे होंगे कि जो ये पोस्ट ऑफिस वाला एरिया है, ये भी इनका क्या है, ये भी इनका नॉर्थ वेस्ट में है, क्योंकि ना तो ये एग्जैक्टली वेस्ट में और ना ये एग्जैक्टली नॉर्थ में, तो ये कहाँ, ये नॉर्थ वेस्ट में है, है ना। तो यही सारी चीज़ें होती हैं जो आपको समझने में मदद करती है। देखिए ये रहा आपका कैरिडनल पॉइंट, कैरिडनल पॉइंट इसको ही बोलते हैं जिसमें ये आपके डायरेक्शंस बताए जाते हैं। इसके मेन 4 डायरेक्शंस होते हैं जिसमें ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ आते हैं। लेकिन इसके अलावा 4 डायरेक्शंस और होते हैं जिनको हम सब डायरेक्शंस भी कह सकते हैं, जिसमें आपका नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, है ना, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट आते हैं, ठीक। इसके अलावा आप लोग ने कंपास तो देखा ही होगा, इसकी हमेशा जो सुई होती है वो नॉर्थ और वेस्ट की, नॉर्थ और साउथ की तरफ रहती है, और इससे आप आसानी से डायरेक्शंस को ढूंढ पाते हैं, ठीक है। चलिए तो अब हम आगे चलते हैं। यहाँ तक मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को डायरेक्शंस के बारे में भी पता चल गया होगा। अब हम बात करते हैं सिंबल की। तो देखिए सिंबल जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। उसका रीज़न ये है कि अब हम मैप के ऊपर हर चीज़ को पॉइंट टू पॉइंट ना तो मेंशन कर सकते हैं और ना ही उसको लिख सकते हैं। अगर हम हर चीज़ को लिखने लगेंगे तो मैप में बहुत ज़्यादा खिचड़ी पक जाएगी और जो सामने वाला है, जो देखना चाह रहा है, वो समझ नहीं पाएगा। और अगर हम कोई लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, मान लीजिए इंग्लिश, हिंदी, उर्दू या फिर पंजाबी या गुजराती किसी लैंग्वेज में लिखते हैं, तो उस वक्त ये प्रॉब्लम हो जाती है कि अगर मान लीजिए मुझे इंग्लिश नहीं आती तो मैं इंग्लिश वाले मैप को कैसे पढ़ पाऊँगी, कैसे समझ पाऊँगी, फिर तो मैं रास्ता भूल जाऊँगी, है ना। तो उसके लिए हम कुछ सिंबल्स का यूज़ करते हैं, और ऐसे सिंबल्स जो वर्ल्ड बिल्कुल मतलब सेम रहते हैं हर जगह, चाहे आप दिल्ली में हो तब भी आपको वही सिंबल मिलेंगे, चाहे आप गुजरात या कहीं भी चले जाएँ, झारखंड चले जाएँ, बिहार, बंगाल, कहीं चले जाएँ, सिंबल वही रहने वाले हैं आपके मैप के, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग उन सिंबल्स को देख लेते हैं कि वो सिंबल्स क्या क्या हैं। तो देखिए यहाँ पे पहले आपको बता दिया गया है कि मैप है यूनिवर्सल लैंग्वेज, यानी मैप में जो है वो यूनिवर्सल लैंग्वेज होती है जो हर किसी को समझ में आ सके, दैट कैन बी अंडरस्टूड बाय ऑल, है ना, ये हर किसी को समझ में आ सके। देयर इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट रिगार्डिंग द यूज ऑफ दीज सिंबल्स, ठीक है, दीज आर कॉल्ड कन्वर्सेशन सिंबल, ठीक है। अब ये क्या बोलते हैं कि इन्हीं के रिगार्डिंग पूरे इंटरनेशनल लेवल पर एक एग्रीमेंट साइन हुआ है जिसके अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि जहाँ पे भी आपको ये सिंबल्स आपको दिखाने पड़ेंगे, मतलब जैसी सिचुएशन है वहाँ पे आपको ऑल ओवर, ठीक है, ऑल ओवर वर्ल्ड में यही सिंबल यूज़ करने, ये नहीं कि हम इंडिया में तो हम अपने कोई सिंबल बना सकते, नहीं,
ठीक है। अब ये सिंबल क्या है तो इनको देख लेते हैं। जैसे अब रेलवे लाइन है ना, अगर वो मोटी लाइन है रेलवे में, मेन लाइन है, तो वो देखिए इस तरह से दिखाई जाएगी। अगर मीटर लाइन है तो देखिए ऐसे दिखाई जाएगी। अगर रेलवे स्टेशन है तो ऐसे दिखाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आपकी कच्ची पक्की सड़क है तो इस तरह से, और अनमेल्टेड है यानी कि कच्ची सड़क है तो इस तरह से दिखाएंगे, ठीक है। बाउंड्रीज़ में अगर बात करें, इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ है, जैसे मान लीजिए हिंदुस्तान को पाकिस्तान से जोड़ने वाली रेखाएं, सरहदें जिन्हें हम कहते हैं, या फिर आपका हिंदुस्तान को बांग्लादेश से जोड़ने वाली सरहदें, वो ऐसे दिखाएंगी, ठीक है। लेकिन स्टेट बाउंड्रीज़ ऐसे, जैसे दिल्ली को यूपी से, बिहार से या हरियाणा से, जहाँ से भी जोड़ना है तो उसको जोड़ने वाली ऐसे दिखाई देंगी, है ना। या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर हम बात करें, जैसे मान लीजिए यूपी के अंदर आपके अलग अलग एरियाज़ हैं, उनको आपस में जो एक दूसरे से जोड़ा जाता है वो ऐसे दिखाया जाएगा, ठीक है। आपका रिवर, वेल माने कुआं, टैंक यानी एक तरह से आपका तालाब, उसके बाद यहाँ पे आपका कैनल है यानी नहर, फिर ये आपका ब्रिज है, ठीक है। इसके बाद ये आपका टेम्पल हो गया, फिर चर्च, फिर आपका मॉस्क्यू, और फिर आपका छतरी, ठीक है। इसके बाद ये आपका पीओ का मतलब होता है पोस्ट ऑफिस, पीटीओ का मतलब होता है पोस्ट एंड टेलीग्राम ऑफिस, है ना। इसका पीएस का मतलब होता है पुलिस स्टेशन, आरएस का मतलब होता है रेलवे स्टेशन, है ना, और पीएस का मतलब होता है पुलिस स्टेशन। उसके बाद यहाँ पे आपका लिखा है सेलमेंट यानी कि आपकी जो बस्तियाँ होती हैं, फिर आपका ग्रेवयार्ड यानी कि जो आपके कब्रिस्तान होते हैं, फिर ये आपके ट्रीज एंड ग्रासेस। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं। तो ये सब चीज़ें, अच्छा इसके अलावा इन्होंने बोला है कि कुछ चीज़ों के लिए कुछ कलर्स भी कंपलसरी कर दिए गए हैं, जैसे कि पानी के लिए ब्लू कलर का यूज़ होना, माउंटेन के लिए ब्राउन कलर का यूज़ होना, ठीक है, जहाँ पे प्लेट्यूज़ हैं आपके वो येलो कलर का यूज़ होना, या फिर जहाँ पे आपके प्लेन एरियाज़ हैं वहाँ पे आपका ग्रीन कलर का यूज़ होना, ठीक है। आगे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये आपको इस तरह से दिखाया गया। अब आपको मैंने सिंबल तो समझा ही दिए हैं, तो अब आपका होमवर्क ये है कि आप यहाँ पे पता लगाएंगे कि यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें आपको दिखाई गई हैं सिंबल के थ्रू, ठीक है। ये आप इसे होमवर्क में करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ तक आपकी मेन चीज़ थी जो कि क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं यहाँ पे स्केच की, ठीक है, कि स्केच क्या होता है। तो देखिए आपने अभी तक मैप के बारे में पढ़ा, मैप और स्केच और ये प्लेन, ये तीनों चीज़ें आपके एक दूसरे से डिफरेंट है, ठीक है। तो अभी जो भी चीज़ हमने पढ़ी वो सब कुछ मैप्स के रिगार्डिंग था, ठीक है, मैप से जुड़ा हुआ था, और उम्मीद करती हूँ वहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब हम बात करते हैं स्केच की। तो बेटा स्केच जो होता है ना वो क्या होता है, वो एक रफली होता है, वो कोई ऑफिशियल नहीं है। जैसे कि अब आप स्कूल गए, ठीक है, अब आप लोग सिक्स क्लास के स्टूडेंट हैं, क्योंकि स्कूल बंद चल रहे हैं अभी तो नहीं, लेकिन जब आप लोग सिक्स क्लास में स्कूल जाते हैं तो वहाँ पे आपको न्यू फ्रेंड्स मिलते हैं, फिर आप एक दूसरे से बात करते हैं और मालूम करते हैं कि कौन कहाँ रहता है। अगर कोई आपके घर के पास वाले एरिया में ही रह रहा होता है तो आप उससे पूछते हैं, अच्छा मैं भी तो वहीं रहता हूँ, अच्छा अच्छा तो आप बताओ आपका घर कहाँ है, तो कहते हैं अच्छा मैं बताता हूँ, देखो आप यहाँ पे पहुँचोगे ना, यहाँ पे जो आपका मंदिर है, कहा हाँ जानता हूँ मैं, क्या बिल्कुल ठीक, इसी मंदिर से सीधे सीधे आना, जैसे ही आप लेफ़्ट टर्न करोगे वहाँ पे ना आपको एक खूबसूरत सा पार्क नज़र आएगा, कहा हाँ देखा है मैंने, देखा है, क्या ठीक है, क्योंकि बस उस पार्क के जस्ट सामने मेरा घर है, ठीक। तो अब वो दूसरा दोस्त बोलेगा, अच्छा तो आपका यहाँ पे, अच्छा तो आप बताइए आपका कहाँ, कहते देखो जहाँ तुम्हारा मंदिर था ना, तुमने देखा था वो मंदिर, कहाँ देखा था, क्या उस मंदिर से ना सीधे सीधे आओ, का अच्छा ठीक है आ गए, का उसके बाद ना वहीं पे एक मैरिज हॉल मिलेगा आपको, कहाँ ठीक है मैंने देखा है वो, क्या ठीक है, बस उस मैरिज हॉल से थोड़ा सा आप ना बराबर में एक गली जा रही है, उसके जस्ट अपोजिट साइड मेरा घर है, तो ओहो तो हम लोग तो बिल्कुल आमने सामने रहते हैं, अगर हम लोग ये वाली गली का यूज़ करें तो हम लोग तो एक दूसरे के घर आ सकते हैं, कहा हाँ हाँ ठीक है ठीक है, तो तुम मेरे घर आना, हाँ ठीक है, तो हम शाम में ना साथ में पार्क में खेलेंगे जाके, ऐसा होता है ना अक्सर। तो अब जो हमने यहाँ पे अभी आपको मैप बना के दिखाया, क्या हमने इसको नापा, नहीं नापा, क्या इसमें हमने कोई भी पर्टिकुलर चीज़ आपको बताई, नहीं बताई, हमने कुछ चीज़ें जो कि हमेशा रहने वाली हैं उनको बताया ताकि आपको याद रहे वो चीज़ कहाँ पे है ना। तो क्या होता है, ये वही बताते हैं कि स्केच जो है वो एक बिल्कुल जर्नली, बिल्कुल सिंपल ड्राइंग है, जो कि हम एक दूसरे को दिमाग में रखने के लिए, कोई जगह हम भूल ना जाएं उसको दिमाग में रखने के लिए हम बनाते हैं। ये बिल्कुल रफ़ ड्राइंग है, इसमें कोई भी तरह का कोई एरिया, कोई पर्टिकुलर लोकेशन नहीं होता है, इसमें हम कोई भी चीज़ को स्केल से नहीं नापते हैं, ठीक है। देखिए लिखा है सच एज अ रफ़ ड्राइंग ड्रॉ विदाउट एनी स्केल, है ना, किसी भी स्केल के थ्रू हम इसे नहीं बनाते, और यही हमारा स्केच मैप कहलाता है, ठीक है। तो ये ऑफिशियली यूज़ नहीं होता है, ये सिर्फ हम तब यूज़ करते हैं जब हम किसी को कोई बात बता रहे हों, ठीक है, कोई एड्रेस बता रहे हों,
जहाँ हम गए हैं और वो सामने वाला नहीं गया है, या फिर दूसरा हम तब यूज़ करते हैं कि जब हमसे कोई कहे तुम वहाँ चले जाना तो वो हमें एड्रेस बता दे, तो हम रफली अपने पॉकेट में लिख के रख लेते हैं कि हम मुझे यहाँ से जाके यहाँ पर टर्न करना है, यहाँ से जाके यहाँ मुड़ना है ना। अब तो उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ती, अब तो गूगल से सब हो जाता है काम, लेकिन पहले ज़माने में इन चीज़ों की थोड़ी सी ज़रूरत पड़ती थी। अब हम बात करते हैं प्लान की, तो प्लान क्या है, तो देखिए प्लान जो है आपका वो एक बिल्कुल जैसे आपका मैप होता है ना, एज इट इज़ मैप है, लेकिन उसका क्या रीज़न है, ये जो होता है ये मैप से थोड़ा सा डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है, जो आपका मैप होता है इस एरिए में आप अपने मैप में पूरा एक शहर दिखाने वाले हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें प्लान की, तो प्लान में हम इस इतने से एरिया में ना किसी एक चीज़ को दिखाएंगे। मान लीजिए मैं अपने घर को दिखा दूँ, हो सकता है मैं सिर्फ अपने ही रूम को, अपने पूरे घर को नहीं, सिर्फ मैं अपने बेडरूम को दिखा दूँ, या हो सकता है सिर्फ और सिर्फ मैं अपने स्टडी रूम का स्केच बना लूँ। तो जो ये इतने बड़े एरिया पे जहाँ पे पूरा आपका एक सिटी, एक शहर कवर हो रहा है, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैं एक रूम को कवर कर रही हूँ, ये जनरली आपके जो वो होते हैं ना, क्या बोलते हैं उनको, इंजीनियर्स जो आपके घर वगैरह को ड्रॉ करते हैं, आर्किटेक्ट जो होते हैं, उनके लिए ये यूज़ में आता है जनरली, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, काफ़ी लंबा हो गया है ये चैप्टर, क्योंकि असलियत में बेटा ये चैप्टर थोड़ा हाई लेवल का था, लेकिन आप लोगों को समझना भी ज़रूरी है। अगर आप अभी से नहीं समझेंगे तो आप आगे जाके और कन्फ्यूज़ होंगे, है ना। तो अब देखिए इसमें जो आपके क्वेश्चन आंसर और टिक मार्क है इसको हम लोग कर लेंगे आंसर शीट पर। इसके अलावा यहाँ देखिए आपको ये थिंक टू डू लिखा है, ये आप लोग तभी करेंगे जब आपके टीचर्स कहेंगे, अदरवाइज़ आप इसे स्किप कर देंगे। और फॉर फन तो ये आप अपने पेरेंट्स और अपने गार्जियन के साथ मिलकर करेंगे, है ना। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन आंसर्स को देखते हैं ताकि आप आसानी से लर्न कर सकें। यहाँ आपको क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं, चलिए जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं इनको। तो पहला क्वेश्चन लिखा है, व्हाट आर द 3 मेन कंपोनेंट्स ऑफ अ मैप। एक मैप के 3 मेन कंपोनेंट्स क्या हैं, तो आपको पता है कौन कौन से हैं, डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, व्हाट आर द 4 कोऑर्डिनेट डायरेक्शन, मेन 4 कोऑर्डिनेट डायरेक्शंस जो है वो कौन कौन सी हैं आपकी, बता देंगे नॉर्थ, साउथ, वेस्ट एंड ईस्ट, ठीक है। नेक्स्ट आपका लिखा है, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म द स्केल ऑफ द मैप। स्केल ऑफ द मैप के टर्म से आप क्या समझते हैं, तो हम बता देंगे कि स्केल ऑफ द मैप जो है वो रेशियो है बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड, यानी किसी चीज़ का जो असली डिस्टेंस है वो, और वो डिस्टेंस जो हमने मैप पे शो किया है वो, उनके बीच का रेशियो है, ठीक है। अब यहाँ आपको नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, हाउ आर मैप्स मोर हेल्पफुल देन अ ग्लोब, जो मैप है वो ग्लोब से ज़्यादा हेल्पफुल कैसे है। तो देखिए आप इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे कि जो ग्लोब होता है आपका वो तब यूज़ होता है जब हम होल अर्थ को नापते हैं, यानी कि पूरे अर्थ की स्टडी करना चाहते हैं, द अर्थ एज अ होल, है ना, जब हम पूरे अर्थ को पढ़ना चाहते हैं। बट लेकिन व्हेन वी वांट टू स्टडी ओनली अ पार्ट ऑफ द अर्थ, लेकिन जब हमें अर्थ का सिर्फ एक पार्ट पढ़ना होता है, इट इज़ ऑफ लिटिल हेल्प, तो ये बहुत छोटी सी मदद कर सकता है। फॉर दिस पर्पस, अगर हम इसी पर्पस की बात करें, वी यूज़ मैप। तो इस पर्पस के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, मैप को यूज़ करते हैं, ठीक है। अ मैप कैन रिप्रेजेंट द एंट्रीज अर्थ सरफेस और अ पार्ट ऑफ इट, फिर जो मैप होता है वो आपका हर चीज़ बड़े अच्छे से एक्सप्लेन कर लेता है, ठीक है। तो अब आपको बता दिया है, आगे भी और बढ़ा दिया है इन्होंने कि जो आपका मैप है उसको हम लोग फिजिकल फीचर्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे माउंटेन वगैरह देखने के लिए, पॉलिटिकल भी यूज़ कर सकते हैं कि कंट्रीज़ वगैरह, स्ट्रीट्स वगैरह देखने के लिए, और स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे रोड वगैरह देखने के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं, तो देखिए यहाँ आपका लिखा है, डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन अ मैप और अ प्लेन। अब आपको डिफ्रेंशिएट करना है मैप और प्लान में क्या फ़र्क है। तो
तो दोनों भी मैंने आपको बताया था कि मैप जो है वो पूरे एरिया की ड्राइंग होती है, ठीक है, एक स्केल के ऊपर, ठीक है। ये पूरे स्केल पे तो ये भी होती है, लेकिन ये एक पूरे एरिया की नहीं होती है, ये सिर्फ एक कुछ हिस्से को लिया जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ बता रहे हैं कि ये लार्ज स्केल को रिप्रेजेंट करती है, जबकि ये स्मॉल इसको करती है। जैसे कि यहाँ बता दिया आपको कि ये कंट्रीज़ वगैरह को दिखाती है, जबकि ये आपके किसी कमरे की लेंथ, ब्रेथ, इन सब चीज़ों को दिखाती है। उसके बाद बता दिया, जैसे यहाँ पे आगे बता दिया जैसे कि विलेज है ना, टाउन, ये सब चीज़ें, और ये जो है आपका सिंपल सा पर्पज़ जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्लेन को यूज़ करने के लिए, प्लान बनाना किसी चीज़ का, है ना। आगे देखिए यहाँ आपका अगला क्वेश्चन लिखा है, विच मैप प्रोवाइड्स डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन, कौन सा मैप है जो हमें डिटेल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो लार्ज स्केल मैप जो है वो डिटेल इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है। उसके बाद यहाँ पे आपका लास्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, हाउ डू सिम्बल हेल्प इन रीडिंग मैप, यानी जो सिम्बल है वो मैप को पढ़ने में कैसे मदद करते हैं। तो आप बता देंगे, एज इट नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ ऑन अ मैप द एक्चुअल शेप एंड साइज द डिफरेंट फीचर्स, ठीक है, यानी कि ये पॉसिबल नहीं है, ये संभव नहीं है कि हम जो एक्चुअल शेप है, एक्चुअल साइज़ है वो मैप के ऊपर ड्रॉ कर सकें, किसी भी चीज़ का, चाहे वो बिल्डिंग हो, रोड हो, ब्रिज हो, कुछ भी हो, है ना। तो हम क्या करते हैं, कुछ सर्टेन लेटर्स ले लेते हैं, स्टैंडर्ड लेटर्स, कुछ शेड्स, कुछ कलर, है ना, कुछ पिक्चर्स या कुछ लाइंस ऐसे यूज़ कर लेते हैं जो मैंने अभी आपको बताया यूनिवर्सल होती है, है ना, जो हर जगह पे सेम यूज़ की जाती हैं, इन्हीं को ही हम लोग सिंबल्स कहते हैं, और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। इनके थ्रू कोई भी इंसान जो भी मतलब पढ़ा लिखा भी नहीं है ना, अनएजुकेटेड है, वो भी उस चीज़ को समझ सकता है, ठीक। चलिए आगे पढ़ते हैं। आंसर, अब आपको सही आंसर पर टिक लगाना है। तो यहाँ बोलते हैं मैप शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट आर, तो अब जो मैप ऐसा है जो आपके फॉरेस्ट के डिस्ट्रीब्यूशन को बताता है कि कहाँ पे कितने जंगल हैं, कैसे हैं, तो वो आपका क्या होता है, थर्मेटिक मैप होता है, ठीक है। उसके लिखा द ब्लू कलर यूज टू वाटर बॉडीज, है ना, यानी नीला कलर जो है वो हम पानी के लिए यूज़ करते हैं, माउंटेन के लिए, और प्लेन के लिए तो अलग अलग कलर यूज़ होते हैं, है ना, प्लेन के लिए ग्रीन होते हैं, माउंटेन के लिए ब्राउन होता है, रिमेंबर। आगे चलते हैं, तो देखिए यहाँ लिखा है अ कंपस इज यूज्ड, अब कंपस कब यूज़ होता है, जब आपको डायरेक्शन फाइंड आउट करनी होती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ लिखा है स्केल इज़ नेसेसरी, तो आपके ये स्केल जो है वो मैप के लिए नेसेसरी है, यानी कंपलसरी है, अदरवाइज ज़्यादा किसी पे इसके ऊपर फोकस नहीं किया जाता, ठीक है। तो आज आपका ये वीडियो, ये चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे आपके चैप्टर नंबर 5 के साथ। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, अगर कोई कन्फ्यूजन होती है तो आप लोग मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, अगर अच्छे से समझ में आया है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, आपके लाइक करने से मुझे थोड़ी सी हिम्मत मिलती है कि हाँ बच्चे मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, ताकि मैं आपके लिए और बनाऊँ, ठीक है। चलिए फिलहाल आज की वीडियो कहीं खत्म करते हैं, आज की वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।